2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान के बाद अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 400 पार का आंकड़ा बीजेपी को मिलेगा और उसके बाद जो पीओके है वो हमारा हो जाएगा। और जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अभी से हाहाकार मचा है कि 400 पार के आंकड़े के बाद पहले 370 और उसके बाद जो तस्वीर देखने को मिली थी उसके बाद अब जो अगला टारगेट है बीजेपी का वो पीओके है। तो हमारे साथ प्रयागराज में सियासी चौक में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझते हैं कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। क्या लगता है आपको, 400 आंकड़ा आ गया तो पीओके हमारा हो जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की जो है नीति है उस हिसाब से जो ये बोलते हैं वो करते हैं। अभी तक इन्होंने जो जो चीज़ों में बोला है उन्होंने किया है। 400 पार इस बार आ रहे हैं और आने के बाद पीओके भारत का है। आपको क्या लगता है? देखिए, जो भी कहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो भी कहा है मुझे लगता है कि सब कुछ उन्होंने कंप्लीट किया है, वो भी मजबूती के साथ। तो 400 पार तो आसानी से होने वाला है, ऐसा कई जगह के रुझानों से हमें समझ में आ रहा है। 400 पार होने वाला है, पीओके जो है वो भारत का होने वाला है? जी बिल्कुल। और आपको बताएं, 400 पार का नारा, इसका विरोध देखिए कौन कर रहा है, जो अपोजिट पार्टियां, जो ठगबंधन है, ये मोदी जी की इन योजनाओं को कि 400 पार हमारे जनता का जो स्नेह मिल रहा है वो 400 पार का है। और ये 400 पार को गुमराह करने वाली विपक्षी पार्टियां कहती हैं संविधान बदलेंगे, जबकि सच ये है कि भारत का विस्तार होगा और वो पीओके का वो हिस्सा जहां गुलाम कश्मीर है वो भारत के हिस्से में वापस आएगा और हम सीना तान करके कह सकेंगे कि विश्व के लेवल पर भारत का वो स्थान होगा जो तीखी निगाहों से, जो खराब निगाहों से देख रहे भारत की तरफ, वो कहाँ दिखेंगे वो आप सोच लीजिए। 400 पार के बाद का लक्ष्य यही है कि वो पीओके हमारा होगा और देश में जो जिस तरीके से अराजकता फैलाते हैं ये विपक्षी, जो बंद हैं जेल में और कहते हैं इंसुलिन, जब पीओके हमारा होगा तो उनके मुंह पे टेप भी हम सभी चिपकाएंगे कायदे से। वकील साहब क्या कहेंगे? नहीं, 400 पार का जो नारा है वो मोदी जी 400 सीटों का पार करेंगे या 400 रुपया बढ़ाएंगे सिलेंडर में चुनाव जीतने के बाद, कि 400 रुपया लीटर जो है पेट्रोल होगा, 400 रुपया लीटर डीजल होगा, या जो जुमला चल रहा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान भटाने का, इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपनी सफाई आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये कह रहा है कि मैंने पारदर्शिता दिखाई। पारदर्शिता तो उस दिन ही स्पष्ट हो गई थी कि प्रधानमंत्री कितना नेक और ईमानदार आदमी है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर, कि सफ़ेद झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पीओके नहीं होगा हमारा। पीओके जो प्रधानमंत्री मणिपुर जाने से कतरा रहा है वो पीओके क्या लेगा? वो इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी नहीं हो सकता, आपको क्या लगता? इंदिरा गांधी नहीं हो सकता, ये सोच की बात है। इंदिरा गांधी से भी बेहतर होगा और पीओके हमारा होगा, इसमें कोई दो राय, पीओके हमारा था, बस लेने की क्षमता चाहिए। मणिपुर तो एक हमारे ही, उसमें मणिपुर की बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। जो पीओके है, पीओके के लिए कटिबंध है और हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और उसको अब पीओके में झंडा तिरंगा लहराएगा भारतीय जनता पार्टी का। पीओके में तिरंगा झंडा लहराएगा, आपको क्या लगता है? पीओके में बिल्कुल, तो हमारे देश का हिस्सा, अभिन्न हिस्सा है, उसको आज भी अपना हिस्सा मानते हैं। पार्टी की 400 सीट आ जाएगी तो पीओके हमारा हो जाएगा? पहले चीज तो 400 सीट बहुमत तो आज भी है ना भाई, 400 सीट बहुमत होना चाहिए किसी भी कानून को पास करने के लिए, वो इनके पास आज भी है, तो उसके लिए 400 की कहाँ ज़रूरत है, उसके लिए 272 ही काफ़ी है। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी बात यह है कि धारा 370 ख़त्म कहाँ हुई है, उसके पहले भी 36 बार अमेंडमेंट हो चुका है, इन्होंने भी उसको उसमें अमेंडमेंट किया है, ख़त्म तो नहीं हुआ है ना धारा 370। अगर किसी ने कोई कह दे कि ख़त्म हुआ है तो हमको दिखा दिला करके धारा 370 ख़त्म हो गई है। उन्होंने जो भी राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रहित का जो भी बातें थी वो उन्होंने पूरी तरह से पूरा किया है और आगे भी पूरा करेंगे, क्योंकि 400 पार तो जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? 400 पार की बात जहाँ तक है तो वो तो कहीं दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक 400 जुमला नहीं होगा, 400 पार हम करके दिखाएंगे और 400 से कहीं ज़्यादा भी सीट आएगी। और जितने लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड पर लफड़ा है या 400 सीट जुमला था या 15 लाख जुमला था,
उन्हें शर्म आनी चाहिए, वो महा बेशरम लोग हैं। उन्हें ये सोच करके बात करनी चाहिए कि 15 लाख रुपए अगर आप आज अपने घर का निर्माण कराते हैं तो उसमें पैसे लगते हैं, देश के निर्माण में हमारा योगदान उस 15 लाख से कहीं ज़्यादा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से राष्ट्र का निर्माण किया है, ये नया स्वरूप सबके सामने है। और जहाँ तक बॉन्ड की बात है, चोरी करके बैकडोर से पैसा लेने वाले चोर आज बताएंगे कि उन्होंने कितना पैसा पिछले चुनावों में लिया था। भैया देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ना तेल बढ़ेगा 400, ना पेट्रोल बढ़ेगा, ना गैस बढ़ेगी, सिर्फ सीटें बढ़ेंगी। सीटें बढ़ेगी, एक चीज और बढ़ेगा, जो प्राइवेट सेक्टर की हमारी इंटरनेशनल लेंडिंग है जो 2.5 लाख करोड़ डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी है, अभी और बढ़ेगी। अगर विपक्षियों को, हम ये कह रहे हैं कि अगर विपक्षियों को या कुछ ऐसे लोगों को तथाकथित जो सो रहे हैं या फर्जी बातें करते हैं उन्हें तकलीफ है, तो जो पूरे देश भर में रोड बनी है मत चले ना, नीचे उतर के चले, वो उन चीजों का लाभ ना उठाए ना। 5 किलो राशन कम से कम मोदी के कार्यकाल में घोटाले तो नहीं हुए, कांग्रेस में घोटाले ही घोटाले हुए, इतने घोटालों की सरकार रही है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बांड नंबर एक से लिया गया वो रुपया है जो लोगों के खाते में दर्ज है कि वो पैसा कहाँ गया। ईडी अपना काम न करे, इन लोगों का कहना है कि ईडी अपना काम न करे, सीबीआई अपना काम न करे, इनकम टैक्स अपना काम न करे, वे हैं किस लिए, इनको क्यों पीड़ा हो रही है अगर ईडी अपना काम कर रही है, इनकम टैक्स अपना काम। एकदम सही बात है, ईडी सीबीआई अपना काम करेगी, ये संस्थान अगर अपना काम नहीं करेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो वो लाभ लेना चाहते हैं कांग्रेसी, वो लाभ लेना चाहते हैं सपाई, वो लाभ लेना, ये आप कह रहे हैं ना कि उनके यहाँ छापा पड़ के तब बॉन्ड खरीदा, ये सिचुएशन आपने नहीं देखा। आप ना दरअसल आदत बन चुकी है कि अब ये सरकार हम कैसे वापस में आए, वो जो 60 साल का शासन आपने किया, माफियाओं पर जो एक कार्रवाई हो रही है जीरो टॉलरेंस के तहत मोदी सरकार के द्वारा, इनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। सारे माफिया बाहर हैं, कौन माफिया जेल में, कानून के तहत कार्रवाई, कानून को सक्षम बनाइए कि आने वाले भविष्य में भी कोई माफिया ना बन पाए। आप डायरेक्ट उन पे हमला करते हैं। जो मुद्दा है पाकिस्तान का, उसको लेकर के यहाँ पर जो बहस है वो लगातार जारी है, और जिस तरह से बीजेपी के जो पक्ष में जो लोग हैं उनका कहना है कि जो 400 पार का नारा दिया गया है वो ज़रूर ज़मीन पर उतरेगा, दूसरी तरफ जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं 400 पार जो है वो महंगाई 400 पार जाएगी, तमाम चीज़ों के दाम जो हैं वो 400 पार जाएंगे, और ये जो दावा किया जा रहा है ये दावा खोखला साबित होगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। नहीं, 400 पार का जो नारा है वो मोदी जी 400 सीटों का पार करेंगे या 400 रुपया बढ़ाएंगे सिलेंडर में चुनाव जीतने के बाद, कि 400 रुपया लीटर जो है पेट्रोल होगा, 400 रुपया लीटर डीजल होगा, या जो जुमला चल रहा है बेरोजगारी महंगाई भ्रष्टाचार से ध्यान भटाने का, इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री जो कि इलेक्टोरल बांड पर अपनी सफाई, आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये कह रहा है कि मैंने पारदर्शिता दिखाई। पारदर्शिता तो उस दिन ही स्पष्ट हो गई थी कि प्रधानमंत्री कितना नेक और ईमानदार आदमी है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर, कि सफ़ेद झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ ओके नहीं होगा हमारा पीओके। जो प्रधानमंत्री मणिपुर जाने से कतरा रहा है वो पीओके क्या लेगा।